हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम 2017 के जो पेपर हुआ था एसएससी स्टेनोग्राफर 12 सितंबर 2017 को, उसको देखेंगे हम। उसके जीएस के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारे स्टेनोग्राफर में किस टाइप का पेपर आता है जीएस का, और हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी बात, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, एसएससी के दूसरे एग्ज़ाम में आ जाते हैं या फिर इसी में आपके दूसरे बैच में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो एज यू नो, 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। करेक्ट आंसर जो है वित्त सचिव, यानी थर्ड वाला ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर में भी दे रखा है, लेकिन कैंडिडेट ने ये गलत आंसर लगाया है। देखिए, बहुत छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? भारत में जो गरीबी रेखा है उसकी गणना किस तरीके से की जाती है? तो कैलोरी खपत से की जाती है, कैलोरी कंजप्शन जो रेट होता है उससे पता की जाती है कि यहाँ पर गरीबी रेखा में कौन कौन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया है? पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म हो गई, ये 5 साल के प्लान होते थे। उसमें एक क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना ही ऐसी थी जो 4 साल तक चली थी। आप इसको एक बार कॉपी में देख के सही कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो जो देश भी डेवलप है, विकसित देश हैं, उनकी जो करेंसी होती है उसे हार्ड करेंसी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? कौन सा विषय? आपको पता होगा 3 टाइप की सूचियां होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये पूछ रहा है संघ सूची में कौन सी नहीं आती है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में फॉरेस्ट है जो संघ सूची में नहीं आती, बाकी डाक, बैंकिंग, सिटीजनशिप, ये सारी हमारी यूनियन लिस्ट का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें कार्य करने का अधिकार जो है शामिल नहीं है, बाकी धर्म का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, फिर और समानता का अधिकार, ये सारे अधिकार शामिल हैं। कार्य करने का अधिकार का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? सामान्य तौर पर 3 बार किसी विधेयक को हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी करने का एक अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सत्ता की साझेदारी, इसका अच्छा उदाहरण बेल्जियम में सामुदायिक सरकार जो है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? अगर सभापति नहीं आया राज्यसभा में तो राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इस टाइम राज्यसभा का सभापति कौन है, आप कॉमेंट बताइए। उपसभापति जो होता है वो करता है, अगर हमारे राज्यसभा में सभापति नहीं होता है तो उपसभापति करता है। इसी तरीके से हमारा लोकसभा में स्पीकर नहीं होता, अध्यक्ष नहीं होता, तो उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप में कहाँ उद्भूत है? जनहित याचिका की अवधारणा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL बोलते हैं, वो US से लिया है। अवधारणा जो है हमारी US से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है और गंगा नदी का नहीं किया गया है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है राणा कुंभा ने बनाया है, मानसिंह ने नहीं बनाया है, गलत है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय में वस्तुकला और मूर्तिकला का द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो पल्लव शासक जो थे, पल्लवाज जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूफी समुदाय इस्लाम से संबंधित है, इस्लाम का एक पार्ट होता है सूफी समुदाय।
बुडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है? बुडापेस्ट नील नदी के तट पर अवस्थित है। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? वहाँ पे नहरें हैं जो मुख्य स्रोत हैं पंजाब और हरियाणा में। डूरन रेखा इन इनमें से किन देशों के बीच की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डूरन रेखा वैसे तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन पार्टीशन के होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो POK वाला पार्ट आता है हमारा पाकिस्तान का, वो और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा। पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे बने हैं? जो पश्चिम भारत में जो डेक्कन ट्रैप है मुख्य रूप से किससे बने हैं? तो वो बने हैं जो अग्नेय शैल व लावा प्रवाह आदि के, जैसे ज्वालामुखी चट्टान होते हैं, जो अग्नेय शैल चट्टान होते हैं उनसे बने होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधों द्वारा कौन सा गैस छोड़ा जाता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें ऑक्सीजन छोड़ा छोड़ा जाता है। मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको पता करना है, जो एनीमिया रोग होता है B12 की कमी से होता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप नोट्स बना रहे हो तो जितने भी विटामिन होते हैं उनके कमी से होने वाले रोगों को आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। कौन सी धमनी मुख्य रूप से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त का वहन हृदय तक करती है? कौन सी धमनी हम जो ये क्या बोलते हैं, जिससे हमारा शरीर के विभिन्न रक्त का वहन होता है हृदय के द्वारा? सेल, तंत्रिका, धमनियाँ। इसमें से कोई आंसर नहीं है, आप उसमें क्या बोलते हैं इंटरनेट पर देख के इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? कॉलरा होती है जो जीवाणु के कारण होती है, जिसे हम हैजा भी बोलते हैं। आप यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप जितने भी जीवाणु से होने वाले जीवाणु जनित रोग हैं, आप वहाँ पे नोट्स में आप एक तरफ लिख सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? इसमें आप प्रतिजीवी का स्राव, जिसे सेक्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, वो नहीं है गुर्दे का कार्य। बाकी तीनों कार्य हैं, शरीर द्रव की अम्लता का नियमन, मूत्र का निष्कर्षण, रक्तचाप का नियमन। ये तीनों काम हमारा गुर्दा या किडनी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है? तो पित्त का रस क्षारीय होता है, बिलजोसिस अल्काइन अल्कलाइन, सही है। अमाशय रस में HCl शामिल होता है, सही है। पित्त रस का यकृत से स्रावित होता है, पित्त का रस यकृत से स्रावित होता है, ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति इनमें से किस में अधिक तेज होती है? ये सभी को पता होगा, मेटल में सबसे तेज होती है। मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है? मैनोमीटर हमारा प्रेशर दाब को मापता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उपकरण से संबंधित भी पता होना चाहिए। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी रह होती है? मुक्त रूप से कोई लटकती हुई चुंबकीय सुई है, किस दिशा में खड़ी होगी? तो वो उत्तर दक्षिण में होगी, यानी साउथ नॉर्थ पोल के हिसाब से खड़ी रहती है हमारी सुई। बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखाई देती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो प्रकाश की गति है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इस वजह से हमें बिजली की चमक पहले दिखाई दे जाती है, गड़गड़ाहट बाद में सुनाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के IC चिप सामान्य तौर पर किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर के देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें पेंटियम नहीं है, बाकी यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पेंटियम एक प्रोसेसर, वो है प्रोसेसर है। नेक्स्ट है, वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता, वो होता है कठोर जल होता है, जो जल जिसमें साबुन का झाग नहीं बनता वो कठोर जल होता है, जल्दी से झाग नहीं बनता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? कार की बैटरी में जो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत लेपन मदद नहीं करता, विद्युत लेपन जो होता है वो किस चीज़ में मदद नहीं करता, तो चमकदार रूप देने में, विद्युत लेपन से चमकदार रूप नहीं आता। बाकी जंग के विरुद्ध धातु को सुरक्षित रखने में काम आता है विद्युत लेपन। फिर जो कोटिंग होती है धातु को कठोर बनाने में, सतह को अच्छा टच देने में, ये सारे काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये अम्ल के परिवर्तन हाइड्रोजन अणुओं की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। सही है, अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन अणु होते हैं, ये भी सही है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन अणु होते हैं, हाँ सारे सही है। एसिड एसिड के बारे में बता रहा है, तीनों ऑप्शन सही थे। भोपाल गैस कांड के समय किस गैस का रिसाव हुआ था, ये भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1984 के आसपास हुआ है, इसका सन देख लेना, सन भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा आप इंटरनेट पे भी सर्च कर लेना। मिथाइल आइसोसाइनाइड जब हुआ था त्रासदी, इसमें बहुत लोग मरे थे, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ये इसका ही रिसाव हुआ था जिसके कारण लोगों की मृत्युएं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है, लीड यानी शीशा जो है सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य आधिकारिकता योजना शुरू करी है, ये JNK ने स्टार्ट करी थी। भारत के किस शहर में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की गई, ये भी भोपाल में की गई, ये जो 2018 वाले हैं उसको करिएगा, इन क्वेश्चनों को छोड़ दीजिएगा। टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे, तो एडवर्ड जेनर थे टीकाकरण के आविष्कारक। RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है किस खेल में, RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बेसबॉल में यूज़ होता है RBI शब्द, जो हम लोग के यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, इस वर्ड से बना हुआ, बेसबॉल में यूज़ होता है RBI शब्द। स्नूकर पहली बार किस देश में खेला गया, स्नूकर सबसे पहले इंडिया में ही खेला गया था। प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है, वहाँ पे सुखना लेक भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा राज्य से है, यहाँ पे ओडिसी है, नाम से ही पता चलता है उड़ीसा राज्य से ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो कोच वगैरह को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले इंग्लिश में ही लिखी गई थी, उसके बाद उसके ट्रांसलेशन हुए हैं। भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के साथ CIPA हस्ताक्षर किए किस देश के साथ, ये पुराना क्वेश्चन है, जापान और सिंगापुर दोनों के साथ मिलकर ये सेपा का हस्ताक्षर किया गया था, MOU था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, यूरोपीय संघ UN का सदस्य नहीं है, तो नॉर्वे सदस्य नहीं है, हालांकि यूरोप में है लेकिन यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है, ये नेपाल के साथ था, अभी भी है काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत भारत को डैश नदियों के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है, सिंधु जल संधि जो है IWT इंडस वाटर ट्रीटी, जो भी नदियां हैं रावी ब्यास सतलज, ये जम्मू एंड कश्मीर पंजाब के साइड में है, तो इन नदियों को के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे GS के पुराने, आई होप आपको आइडिया मिल गया हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहें, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, PDF में शेयर कर दूंगा नीचे।